एक्सक्यूज मी भैया, प्रिंसिपल मैम का ऑफिस कहाँ पे है? अरे भैया ना बोलो, सैया बना लो हमें। तमीज नहीं है क्या तुम लोगों को लड़की से बात करने की? चुपचाप हटो मेरे रास्ते से, नॉनसेंस। हाय हाय, क्या आप मुझे बता सकते हो प्रिंसिपल मैम का ऑफिस कहाँ पे है? ओ हाँ, सीधा जाके लेफ्ट। ओके, थैंक यू, बाय। बच्चों, ये वाला स्टेप ध्यान से देखना। मे आई कम इन मैम? अरे साक्षी, आज इतना लेट? वो मैम ट्रैफिक में फंस गई थी। ओके, चलो जल्दी से बैठो सब लोग। ओके बच्चों, तो ये ध्यान से देखो। रॉकी तुम आओ स्टेज पे, आके स्टेप करके दिखाओ। वेरी गुड। ओके चलो फिर, अब करण तुम आओ और करके दिखाओ। यही करण, वेरी गुड वेरी गुड। अरे चलो चलो सब लोग आ जाओ, सब लोग स्टेज पे आ जाओ जल्दी से, साथ में करते हैं डांस सब लोग। बच्चों अब सब लोग घर जाओ, कल टाइम से आ जाना। यार बेबी, अभी आइसक्रीम खाने चले? हाय साक्षी, क्या तुमसे 2 मिनट अकेले में बात कर सकता हूँ? अकेले में? ओके बोलो, क्या बोल रहा है? ओके साक्षी, मैं तुमको बाहर मिलता हूँ। साक्षी, मैं तुम्हें काफी टाइम से कुछ कहना चाहता था। मुझे तुम बहुत पसंद हो, विल यू बी माई गर्लफ्रेंड? लकी, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। मैंने कभी तुमको उस नजर से नहीं देखा, और तुमने ऐसे सोच भी कैसे लिया? सॉरी साक्षी, मैं बस अपने दिल की बात कहना चाहता था। ओके देन बाय। अरे टोनी, वो देख साक्षी जा रही, चल उसका पीछा करते हैं, पता तो चले आखिर ये रहती कहाँ है। तो ये है मैडम का घर। चल रोकी, लगा गाड़ी पीछे। इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो मैडम? हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? साक्षी छोड़ो ना क्लास वाला, चलो अपन दोनों लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। एक काम करती हूँ, प्रिंसिपल मैम को बोल के सच में ही तुम दोनों को लॉन्ग ड्राइव पे भेज देती हूँ। ये लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, आज के बाद अगर मेरा रास्ता रोका तो डायरेक्ट प्रिंसिपल मैम से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। जाने दो रोकी, बाद में देखते हैं इसको। देख भाई कैसा चंपू के साथ लगी हुई है गुलशर रोड आने में। आना थोड़ा मजे लेके आते हैं। यार करण, तेरी जीएफ को एक दिन के लिए उधार देगा क्या? कितने बेशरम हो ना तुम दोनों। शर्म वो कौन सी चीज है? अबे ओ, जबान संभाल के बात कर, बंदी है मेरी। भाई तू संभाल तेरी बंदी को, पता चले रातों रात उड़ा के ले गया इसको। तुम लोग ऐसे नहीं सुधरोगे, निकल जाओ यहाँ से। साक्षी ये तूने अच्छा नहीं किया, अब देख हम क्या करते। क्या हुआ साक्षी, सब ठीक है? हाँ लकी, ऐसे लोगों को सीधा करना अच्छे से आता है। छोड़ो साक्षी, ऐसों के मुंह नहीं लगते। ओके बाय, आई एम गोइंग। थैंक यू करण, मेरा इतना साथ देने के लिए। अरे बेबी ऑलवेज। देख साली को कैसे अपने यार के साथ हंस हंस के बातें कर रही है। इसने अच्छा नहीं किया मुझे थप्पड़ मार के, ये सोच भी नहीं सकती अब इसके साथ क्या होने वाला है। चल चल टोनी, जल्दी से गाड़ी पीछे लगा इसके। बेशरम इंसानों, थप्पड़ खा के भी अकल नहीं आई लगता, पुलिस बुलानी ही पड़ेगी। पुलिस तो तब बुलाएगी ना जब बुलाने लायक बचेगी। मतलब तुझे क्या लगा था तू हम पे हाथ उठाएगी और हम इतनी आसानी से छोड़ देंगे? ये देख पता है इसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं तेजाब। बड़ा घमंड है ना तुझे अपने चेहरे पे, आज के बाद ये देखने लायक नहीं बचेगा। चल टोनी चल जल्दी भाग यहाँ से।
साक्षी, मेरी बच्ची, ये सब क्या हो गया? मम्मी, उन दोनों कमीनों ने मेरी जिंदगी खराब कर दी। मम्मी, अब आप मुझसे नफरत नहीं करोगी ना? मेरा चेहरा खराब हो गया। नहीं बेटा, तुम तो मेरी प्यारी बेटी हो, बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। नहीं मम्मी, अब कोई मुझसे प्यार नहीं करेगा। बेटा ऐसे मत सोचो, तुम आराम करो। हेलो आंटी, नमस्ते। नमस्ते बेटा। आंटी, मैं काफी दिनों से साक्षी का फोन ट्राई कर रहा, वो ठीक तो है ना? बेटा एक काम करो, यसनाया हॉस्पिटल में आके खुद ही देख लो। ओके आंटी, मैं अभी आया। साक्षी, तुम यहाँ हॉस्पिटल में, क्या हुआ? तुम दोनों बात करो, मैं अभी डॉक्टर के पास होके आती हूँ। करण, तुम यहाँ क्यों आए हो? प्लीज चले जाओ यहाँ से, क्योंकि अगर तुमने मेरा फेस देख लिया तो तुम भी मुझसे नफरत करने लगोगे। अरे दिखाओ तो सही, आखिर हुआ क्या है? डोंट वरी, आई एम ऑलवेज विद यू। देखना चाहते हो? ये देखो। अब तुम्हारी साक्षी पहले जैसे सुंदर नहीं रही। यू, इसको प्लीज धको, मुझे नहीं देखना। करण, तुम मुझे छोड़कर तो नहीं छोड़ोगे ना? साक्षी, मुझे अभी याद आया, मम्मी ने मुझे काम बताया था, मैं अभी करके आता हूँ। लेकिन करण। अरे करण बेटा, कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में? साक्षी, क्या हुआ, करण चला क्यों गया? मम्मी, अब आपकी बेटी सुंदर नहीं रही ना, तो कोई क्यों ही रहेगा उसके साथ? मेरी बच्ची, तुम रोना बंद करो, वो लड़का तुमको डिजर्व ही नहीं करता। हेलो, नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। आंटी, साक्षी 2 दिन से क्लास नहीं आ रही, सब ठीक तो है ना? हाँ बेटा, सब ठीक है। नहीं आंटी, आपकी आवाज से नहीं लग रहा, कुछ तो बात है, आप छिपा रहे हो। बेटा तुम यसनाया हॉस्पिटल में आओ, तुम्हें सब पता चल जाएगा। हाँ आंटी, मैं अभी आता हूँ। वो बेटा लक्की का कॉल आया था, वो हॉस्पिटल आ रहा है। आंटी, साक्षी कहाँ है, वो ठीक तो है ना? ये रही साक्षी, पूछ लो इसी से। साक्षी, क्या हुआ तुम्हें, तुम हॉस्पिटल में क्यों हो? लकी, तुम प्लीज चले जाओ यहाँ से, मुझे किसी से बात नहीं करनी। साक्षी, तुम अपना चेहरा क्यों छुपा रही हो, प्लीज मेरी तरफ देख के बात करो ना। करण तो छोड़कर चला गया, अगर तुमने भी मेरा फेस देखा तो तुम भी चले जाओगे। साक्षी, ऐसा कुछ नहीं है, इधर को देखो। साक्षी, ये सब कैसे हुआ? ये उन दोनों कमीनों ने किया है, अब तुम भी मुझे छोड़ के चले जाओगे ना? नहीं साक्षी, मैंने तुम्हारे फेस से नहीं, तुम्हारे खूबसूरत दिल से प्यार किया है। तुम मेरे लिए कल भी साक्षी थी और आज भी वही साक्षी हो, मैं कहीं नहीं जाने वाला। सच में तुम हमेशा मेरा साथ दोगे? हाँ साक्षी, इस लड़ाई में तुम अकेली नहीं हो, मैं भी इस लड़ाई में तुम्हारे साथ हूँ, हम दोनों मिलके उन कमीनों को सजा दिलाएंगे।